नमस्कार। टेस्ला और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के भारत दौरे का सभी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मस्क के दौरे में देरी हो रही है। उनका भारत दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। उन्होंने एक्स पर यह बताया कि टेस्ला के कामकाज की जिम्मेदारियों की वजह से उनकी भारत यात्रा में देरी हो रही है, लेकिन वह इस साल के आखिरी तक यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। एक ब्लूमबर्ग के मुताबिक, यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले ये खबर थी कि मस्क अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मस्क के पोस्ट से ये साफ हो गया था कि फिलहाल वह भारत नहीं आएंगे। टेस्ला इंक ने हाल ही में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की है। छंटनी के इस दौर के बाद उनका भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा था। वहीं देश में लोकसभा चुनाव के बीच चल रही रैलियों की वजह से पीएम मोदी भी काफी व्यस्त हैं। मस्क की पीएम मोदी के साथ बैठक अगले हफ्ते की शुरुआत में होनी थी, लेकिन अब उनका भारत दौरा स्थगित हो गया है। भारत में स्टारलिंक को परमिशन देने एलन मस्क के लिए किसी इनाम से कम नहीं है, यानी कि जो उन्हें परमिशन मिली है वो उनके लिए एक इनाम के तौर पर है। चीन के प्रतिरोध को देखते हुए भारत अमेरिकी कंपनी के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरेगा। वहीं दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर टेस्ला कारों की मौजूदगी में पीएम मोदी एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करेगा जो कि भारत में बड़ा विदेशी निवेश लाएंगे और इससे देश के बाहर और बाकी के जो शहर हैं उन सभी वैश्विक महानगरों की तरह ही आधुनिक बनाए जाएंगे और नौकरियां भी पैदा होंगी। बताते चले कि नोमुरा होल्डिंग्स इंक में भारत और एशिया यानी कि पूर्व जापान के लिए मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने कहा कि यह भारत में विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सिर्फ निर्यात उद्देश्यों के लिए चीन से सप्लाई चेन डाइवर्टिफिकेशन के वजह से नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती घरेलू मांग का फायदा लेने के लिए है। एलन मस्क के भारत दौरे से दोनों की मामलों में सफलता मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने स्टारलिंक को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि कंपनी इस साल के तीसरे तिमाही तक देश में इसका परिचालन शुरू कर सकेगी और मामले में जानकारों के मुताबिक इससे मस्क का मोदी सरकार के साथ सालों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा। स्टारलिंक को दो घरेलू प्रतिद्वंदियों में करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। वहीं भारत के संचार मंत्रालय ने ये टिप्पणी मांगने वाली ईमेल का जवाब नहीं दिया। स्टारलिंक ने भी टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। बताते चलें कि भारत निवेश से मस्क को तेजी से बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एंटर करने का मौका मिलेगा और इसे अन्य जगहों पर धीमी मांग को बराबर करने में भी मदद मिलेगी। मस्क यहां पर ये कहते हैं कि टेस्ला सालों में भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि टेस्ला ने पहले भी कई बार इसकी कोशिश की है लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन अब टेस्ला को भारत में आने की परमिशन मिल चुकी है। हाई इंपोर्ट टैक्स इसमें बड़ी बाधा बनता रहा है। भारत ने पिछले महीनों विदेशी कार निर्माताओं से ईवी पर इंपोर्ट टैक्स कर कम कर दिया था और इसकी करीबन 41.5 बिलियन रुपये का निवेश करने और 3 साल के भीतर स्थानीय कारखाने से ईवी उत्पादन शुरू करने का वादा भी किया गया था। हालांकि आपने खबरें सुनी ही होंगी कि यहाँ पर एलन मस्क को इलेक्ट्रिक कारों के लिए और टेस्ला के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिसके दौरे के तौर पर वे भारत आना चाहते थे। हालांकि उनका दौरा अब रद्द हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक एलन मस्क भारत का दौरा करते हैं।